आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि आज हमारा पूरा देश 75वीं सालगिरह मना रहा है आज़ादी की, और पूरा देश आज रंगारंग में डूबा हुआ है। हम समझते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई महिला, कोई गाँव, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ तिरंगा नहीं लहरा रहा हो। लेकिन एक दुख की बात उसमें ये भी निकल के आ रही है कि जो लोग धरने पे बैठे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं कई लोग धरने पे बैठे हैं। अगर पूरी महाराष्ट्र को जोड़ लिया जाए, अगर पूरे देश को जोड़ लिया जाए, तो हम समझते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग उपोषण पे बैठे होंगे अलग अलग समस्याओं को लेकर। तो ये कहना कि एक बहुत दुख वाली बात भी है कि इतनी बड़ी खुशी के अवसर पर अपने ही देश में कुछ लोग मूलभूत सुविधा जो उनकी जायज़ मांग है उसके लिए बैठे हैं, तो कहना कि दुख वाली बात है। अब चलिए इनकी विस्तार से जब बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बोलिए, आज यौम आज़ादी है, 15 अगस्त मनाया जा रहा है 75 सालगिरह, और ऐसे अवसर पर आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो इस अवसर पर, वर्ष 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आपको शुभेच्छा देना चाहता हूँ, आपके चैनल को और तमाम हमारे भारतीय नागरिकों को। तो मुझे, हम यह क्यों बैठे हैं ये मसला मैं बाद में बताऊंगा, मगर मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी साहब, इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस वक्त कि भाई आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये जो वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ, जिसको हम अमृत महोत्सव ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस अवसर पर हमसे ये हमारी एक ही मांग है, हम तुमसे कुछ नौकरी मांग रहे, कुछ भी। आज तो इस आज के दिन हम आपको कुछ भी मांग नहीं कर रहे। आता मी थोडं मराठीत बोलतो, काही आम्हाला काही अपेक्षा नाही आहेत, फक्त आमच्याकडं जी समस्या निर्माण झालेली आहे, आमच्या ज्या प्राथमिक गरजा आहेत, मूलभूत गरजा आहेत, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य। तर अन्न, वस्त्र, निवारा तर आम्ही तुम्हाला मागतच नाही, पण आमचं शिक्षण आणि आरोग्य हे अबाधित राहिलं पाहिजे अशी आमची या प्रसंगी रास्त अपेक्षा आहे। आणि माननीय प्रधानमंत्री आणि सर्वांचे आवडते प्रधानमंत्री आज आमची ही मागणी पूर्ण करतील अशी मी अपेक्षा करतो, आणि ही माहिती आपल्या चॅनलच्या माध्यमानं त्यांच्यापर्यंत पोहोचावी अशी आम्ही तुम्हाला या तुमच्या चॅनलला विनंती करत आहोत। आणि आम्ही बरेच, म्हणजे 2001 जानेवारी 2019 पासून आमच्या इथं कचरा डंपिंगचा प्रोग्राम सुरू आहे। खरं म्हणजे हा तिथं फक्त अतिरिक्त आहे, रिझर्व एरिया आहे तो, त्या रिझर्व एरियामध्ये फक्त कचऱ्यावरती तिथं प्रक्रिया व्हायला पाहिजे होती, पण ती प्रक्रिया होताना दिसत नाही। कारण काय, याचे 3 आमच्याकडं डंपिंग यार्ड तयार केलेले आहेत, जसं हर्सुल आहे, चिकलठाणा आहे, त्याच्यानंतर कंचनवाडी, हे इथं जर तिथं कचरा प्रक्रिया जर पूर्ण झाल्यानंतर काही जर जास्तीचं वरकड कचरा उरत असेल तर तो आमच्याकडे टाकावर त्याच्यावरती प्रक्रिया व्हायची तिची अपेक्षा होती, पण तसं न होता सगळा कचरा आमच्या फक्त ह्याच याच्यामध्ये पडेगावच्या यार्डमध्ये टाकला जातो, ही फार वाईट गोष्ट आहे। आणि त्या सांगायचं तात्पर्य असं आहे की लोकवस्तीपासून हा जो डंपिंग कचरा डंपिंग यार्ड आहे, हा किमान 500 मीटरच्या अंतरावरती तो असावा। ते मीटरचं अंतर आम्ही पाहिलं असता ते फक्त 150 मीटरच भरतं आहे, आणि नियमानुसार तिथं चारी बाजूनं बफर झोन व्हायला पाहिजे, तो बफर झोन देखील तिथं झालेला नाही आहे। त्यामुळं आमची एवढी समस्या निर्माण झालेली आहे की आमच्या घरी प्रत्येक माणूस, आमच्याकडं वयोवृद्ध आहेत, आबाल बालकं आहेत, आजारी लोक आहेत, यांना याचा फार त्रास होतो। तुम्हाला सांगायचं म्हणजे इतकी भयान परिस्थिती या कोविडच्या पिरियडमध्ये निर्माण झाली होती की आमचे तिथं 17 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत, सांगताना डोळ्यामध्ये पाणी येतं, परंतु ते आवरावं लागतं आम्हाला। आणि अजूनही जर तुम्ही या, आमचं चॅलेंज आहे वैद्यकीय विभागाला की तिथे या, आणि आमचं तुम्ही फक्त ऑक्सिजन लेवल किती ती पहा, प्रत्येकाची ऑक्सिजन लेवल 84 पुढे जात नाही, 90 पुढे जात नाही, ती 70, 75, 80 पर्यंतच असते। किती भयावह परिस्थिती आहे, याच्याकडं कानाडोळा केला जातो। आम्ही आजपर्यंत हा डेपो इथून हटावा म्हणून 31 निवेदनं दिलेली आहेत, आणि आमच्या दर्गा कमिटीकडून 20 ते 25 निवेदन दिलं, त्याच्यावर कुठलाही निर्णय झालेला नाही आहे। आज आमच्या एरियामध्ये जवळजवळ 27 ते 30 हजार लोकवस्ती आहे, लोक तिथं वास्तव्यास आहेत, या लोकांच्या जीवनावरती, यांच्या आरोग्यावरती खूप परिणाम होतो आहे। हे काय करायचं, आज या स्वातंत्र्यामध्ये आम्ही मोकळा श्वास घ्यायला पाहिजे, पण आमचा श्वास इथं गुदमरून टाकलेला आहे।
आम्हाला व्यवस्थित पाणी नाही मिळत नाही, तिथं व्यवस्थित हवा मिळत नाही, तर काय करायचं आम्ही? तर आज आम्ही पोल्युशन बोर्डला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डलाही विचारणा करतो, तर ते त्याची टाळाटाळ करतात उत्तर देण्यासाठी, काय करायचं आम्ही? तर एवढं करू नाही, आम्हाला न्याय मिळत नाही, म्हणून न्याय मागण्यासाठी आम्ही हा दिवस निवडलेला आहे. कारण आझादीचा एवढं सुवर्ण महोत्सव आपण म्हणजे अमृत महोत्सव साजरा करतो आणि आज आम्हाला इकडं न्यायला जातो इच्छा नसतानाही. कारण हा स्वातंत्र्य दिन आमच्या मनामनामध्ये आहे, आमच्या हृदयामध्ये तो पेरलेला आहे. या दिवशी असं करू नये, पण न्यायला जसं आम्ही इथं बसलेलो आहोत शासनालयाचा जॉब विचारण्यासाठी. जर त्यांनी हे केलं नाही, पुढील जे काही भविष्यामध्ये घडणारी घटना असतील किंवा काही जे होईल त्याच्याकरता पूर्ण प्रशासन आणि सरकार जबाबदार राहील, असं या प्रसंगी बोलतो. सर, जब 15 अगस्त को आप निवेदन दे रहे थे और आप उनको बोल रहे थे कि हम यहाँ बैठने वाले हैं, तो अधिकारी ने आपसे कुछ संपन्न किया कि सर इतना बड़ा दिन है आप मत बैठो या हम आते हैं, कुछ चर्चा हुई थी ऐसी? उन्होंने क्या उस दिन शुक्रवार जुम्मे के दिन हाँ मगे शुक्रवार आम्ही निमंत्रित केलं होतं, कलेक्टर साहेब तिथं आले, त्यांनी ती पाहणी केली. खरं म्हणजे त्यांना निघून जायचं होतं, पण आम्ही एका ठिकाणी त्यांना घेराव घालून त्यांना आम्ही विचारलं, वय का आपण तर त्या कमिटीचे चेअरमन आहात, पोल्युशन बोर्डाचे चेअरमन आहात, आणि प्रत्येक 3 महिन्यांनी त्याचं जायजा झाला पाहिजे, कोणाच्या समस्या आहेत का, तिथं पोल्युशन होत आहे का, तिथं पोल्युशन नियंत्रक मीटर बसवलेले आहेत का, त्याची तपासणी होते का, हे कुठलीही गोष्ट करत नाही. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे 3 वर्षापासून एकाही वेळेस तिथं त्रैमासिक बैठक घेतली नाही, त्याची पाणी झालेली नाही. आता काय करावं या गोष्टीला, मी काय करायचं, का करत नाही ते, का बरं असं आमच्या करता, आमच्या म्हणजे आम्ही तिथं चुकी केली का? अहो, आम्ही आमच्या जीवनामधला आयुष्याचे कमाई तिथं आम्ही ओतलेली आहे, कारण तो निसर्गरम्य आहे. काय तो डोंगर भाग, काय तो व्यवस्थित भाग आहे, तिथं किती चांगली झाडी आहे, किती चांगला डोंगर आहे, हे पाहून तुम्ही आम्ही तिथं आलो. आणि आज तुम्ही तिथं बघा, एवढं बक्काळ झालेलं आहे, तिथं माणसाला पायी देखील चालता येत नाही. आणि त्या दुर्गंधीमुळं आम्ही ज्या किमतीमध्ये ती घरं घेतलेली आहेत त्याच्या निंपट किमतीमध्ये देखील ती विकली जात नाहीत, अशी आमची अवस्था झालेली आहे. काय करायचं आम्ही या प्रसंगी? मी तुमच्या माध्यमातून हेच विदित करतो की आपली ही बातमी संबंधिताच्या कानावर गेली पाहिजे आणि त्यांना जे झोपलेले आहेत किंवा झोपेचं सोंग घेतलेलं आहे त्यांना लात मारून उठवलं पाहिजे. उठा आणि पहा काय तिथं, जा पहा आणि ते प्रकल्प बंद करा ताबडतोब, असे आमची या प्रसंगी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून ही बात माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवी अशी विनंती करतो. मैं आपके जहाँ आपका एरिया है, जहाँ आपकी समस्या है, वहाँ पर आया था और आपने उस समय कहा था यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, जो नगर सेवक है, आपने चेतावनी दी थी कि हम उसका बहिष्कार करेंगे. मेरा सीधा सवाल ये, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बड़ी संख्या में देखा भी गया था, कई नेताओं के पास वो वीडियो पहुँचा भी था, तो किसी नेता के पीए ने, कार्यकर्ता ने आप संपर्क किया कि आप ऐसा मत करो, आप हमारे मतदार है? माझा हाच प्रश्न आहे. मी वारंवार ह्या विषयावरती खूप चिंतन केलेलं आहे, कारण लोकप्रतिनिधी हा लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी असतो, त्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत. त्यांनी जी समस्या निर्माण होते त्याच्या भागामध्ये त्या समस्याचं निराकरण झालं पाहिजे, आणि या समस्या निराकरण करण्याकरता पुरेशा प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध असतो. मग हा निधी कुठं जातो? निधी आणि लोकप्रतिनिधी यांचं काही नातं तयार झालं काय? आणि काय साटलोटं केलं काय? काय त्यांच्याशी काय लग्न लावलं काय? हा निधी जातो कुठे? का निधी खर्च केला जात नाही? रोड का तयार होत नाहीत? आज आम्ही बऱ्याच वेळा 6 वर्षापासून बघतो, प्रत्येक वर्षी तिथं निधी येतो रोड तयार करण्याकरता, पण रोड तयार होत नाही, कुठं वळती होतो? सांगलं जातं उगाच काहीतरी येतात आमच्याकडे बघतात, तर ते काय ते बेंचमार्क फिक्सेशन करतात, दुर्बीनमधून पाहतात. लोकांना वाटतं खूप आता आमचं काम प्रगतीपथावरती आहे, पण ती कुठली प्रगती नव्हता. या लोकांच्या नुसते डोळ्यामध्ये धूळ टाकली जाते, लोक शांत राहतात, पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, पुन्हा नेहमीच येतो पावसाळा, याप्रमाणे तिथं कार्यक्रम चालू आहे. माझं नाव रामराव दाभाडे आहे, मी ग्लोरिया सिटी येथे राहतो आणि ग्लोरिया सिटीचा चेअरमॅन आहे. मैं शकील कुरेशी, महमूद कुरेशी, हाजी कासंबरी नगर पडेगाव का रहने वाला हूँ. आज जो हम लोग उपोषण पे बैठे उसकी वजह ये है कि कचरा डिपो के तरफ महानगर पालिका का दुर्लक्ष है. 1/11/2019 को मुंबई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कचरा डिपो को मान्यता मिली थी. मान्यता इसी ने मिली थी कि तुम खाली कचरा डिपो ले जाके वहाँ पे डाल दो बोल के, पूरे कायदे से कचरा डिपो की प्रक्रिया करो बोल के, लेकिन वो पूरे कायदे से कचरा डिपो की प्रक्रिया हो रही नहीं. सबसे पहली बात तो ये है
कि रेसिडेंशियल एरिया से कचरा डिपो का डिस्टेंस 500 मीटर का होना चाहिए, तो 500 मीटर का ना होते हुए सिर्फ 120 मीटर का है। और दूसरी बात, 500 मीटर पर बफर जोन होना चाहिए, तो पड़ेगा कचरा डिपो में बफर जोन का तो कोई नाम ही नहीं है। तीसरी बात, हमारे को बारिश में और धूपकाले में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। बारिश में जो हमारे को तकलीफ होती तो लीचा टैंक पूरा भर जाता, लीचा टैंक भरने के बाद वो ओवरफुल होके दीवारों से नीचे, दीवारों के जरिए रोड पे पानी आता, तो हमको आने जाने की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। और धूपकाले में कचरे को, ये कचरा डिपो के लोग क्या करते, आग लगा देते और बोलते ऐसे ही आग लग गई, तो उससे पूरी बस्ती में धुआं धुआं हो जाता। और हमारी बस्ती 25,000 27,000 से 30,000 के लगभग है। और ये जो पानी वहाँ से, ये धुआं जो वहाँ से निकलता, तो ये धुएं से लम्स कैंसर होने के बहुत चांसेस है। इसका भी महानगर पालिका के तरफ से दुर्लक्ष है। तो हम, अब जो पोल्यूशन बोर्ड ने उनको 2019 में ये मान्यता दिया था कि तुम यहाँ कायदे से कचरा डिपो चलाओ बोल के, तो ये कायदे से बिल्कुल बाहर है और ये कायदे में बिल्कुल नहीं बैठ रहा। इसके लिए हम पोल्यूशन बोर्ड से ये मान्यता करते कि जैसा तुमने इनको मान्यता दिए थे, तो इनकी मान्यता रद्द करो और यहाँ से कचरा डिपो जल्द से जल्द हटाओ, ये हमारे सबकी मांग है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शकील कुरैशी, महमूद कुरैशी। मैं अली शेर खान, मैं शकील भाई और दावड़ साहब के साथ, हम तकरीबन 2019 से कचरे के सिलसिले में बार बार महानगर पालिका को आवेदन निवेदन दिए, बोले बताए, मगर वो लोग टोटली दुर्लक्ष करते और सिर्फ वहाँ पर कचरा डंपिंग होता और कचरे के पहाड़ बन गए। जैसा कि आपने देखा, प्रक्रिया तो होता नहीं और खत निर्मिति भी नहीं होती। वो जैसा कि सब अधिकारियों ने झूठ बात करे, सब भ्रष्ट है ये, इनको सिर्फ खाने के कहाँ आइटम आए ये देखते बस ये। सर, हमारे चैनल पे मैंने आपका इंटरव्यू कवर किया था और आपने उसमें कहा था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोकसभा का, विधानसभा का, नगरपालिका का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कि ये होने की चेतावनी देने के बाद कोई तरह किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, जिम्मेदार ने आप संपर्क किया कि भाई ऐसा मत कीजिए, हम आपके साथ में? जी नहीं, किसी भी पार्टी ने, कोई आमदार खासदार के कार्यकर्ताओं ने, किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया, ना कमेटी से संपर्क किया, ना हमें सपोर्ट किया, ना कुछ नहीं। सब लावारिस के जैसा मामला है, बस स्मार्ट सिटी नहीं है ये, एक बहुत बड़ा खेड़ा है। अभी 2-3 महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ तो आपने सोचा होगा? जी, हम अभी सब लोग ने तो बहिष्कार का ही सोचा है। फिर ये बोलते फिर बहिष्कार क्यों डाले, बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। अरे तो फिर काम करिए ना आप लोग। आप लोग ने ना ड्रेनेज लाइन है, ना रोड है, ना बस कचरा डिपो ला के डाल दिए। और वो कचरे का कैसा करना चाहिए, और वो एक महाड़ा की कॉलोनी बना रहे, वो उसका जो ड्रेनेज लाइन बनाना वो समझा उनको। और इतने सारे बस्तियाँ रह के, एक ग्लोरिया सिटी की इतनी बड़ी बस्ती रह के एक ड्रेनेज लाइन नहीं है वहाँ पर। ड्रेनेज लाइन के पैसे पास होते, ये 1680 करोड़ पानी के पास हुए, तो ये कहाँ जाते? पाइप नहीं आया, कुछ नहीं आया, एक टूटी भी नहीं आई वहाँ पर। मी नंदकिशोर लोखंडे, भावसिंहपुरा येथील रहिवासी। महापालिकेचा कचरा डेपो नारेगाव येथे असताना जेव्हा तो बंद करण्यात आला, त्याच्यानंतर शहरामध्ये प्रचंड अशी कचरा कोंडी झाली होती। त्यानंतर महापालिकेला पर्याय शोधावा लागत होते की कचरा, शहरातला कचरा कुठे टाकावं। त्यामुळं महापालिकेची जी जागा होती फळेगाव येथील 18 एकर जागा, त्या 18 एकर जागा यांना कचरा डेपोसाठी निवडली त्यांनी। ॲक्च्युअल ती जागा राखीव जागा होती, पण शहरातील कचरा कोंडी निवळावी यासाठी त्यांना तिथं ती जागा मोकळी मिळाली। त्यासाठी त्यावेळी जेव्हा कचरा डेपोसाठी तो जागा प्रस्तावित झाली, त्यावेळेस आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन त्या महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता पांजाळे साहेब, ते भोंबे साहेब आले होते, त्यांना आम्ही तीव्र विरोध केला होता। परंतु शहरातील कचरा कोंडी या प्रचंड वाढली होती, पूर्ण शहरात कचरा कचरा झाला होता, त्यामुळं त्यांना पर्याय नसल्यामुळं त्यांनी आमच्या विरोधाला जुगारून तिथं कचरा आणून टाकला। त्याच्यानंतर मोठा प्रकल्प तिथं उभा केला। आम्हाला त्यावेळेस त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही या ठिकाणी कचरा डिपो न करता फक्त कचऱ्यावर प्रक्रिया करणार आहे। त्यांच्या या आश्वासनाची आम्हाला शाश्वती नव्हती की ते कचरा त्याच्यावर प्रक्रिया करेल, आणि तेच सत्य झालेलं आहे। तिथली कुठेही प्रक्रिया होत नाही आहे, नुसते कचऱ्याचे डोंगर तिथं उभे केलेले आहेत। या आजची जी परिस्थिती तिथली साहेब, काय सांगा तुम्हाला,
प्रचंड दुर्गंधी आहे। आम्हाला तिथं जेवण घरामध्ये बसून जेवण करता येत नाही, इतकी दुर्गंधी त्या परिसरामध्ये पसरलेली कचऱ्यामुळं। आणि त्याच्यामुळं आमचे वृद्ध, आमचे मुलं, आम्ही सगळे आजारी पडत आहोत। आणि आमच्या बोरला, विहिरींना दूषित पाणी त्या तिथे येत आहे। यामुळं आमची जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासनाला विनंती आहे की कृपया तिथला कचरा डेपो तात्काळ हटविण्यात यावा। आणि पूर्ण तो परिसर आहे, इतका निसर्गरम्य परिसर आहे, पूर्ण मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोक तिथं आलेले आहेत, स्वतःच्या आयुष्याची कमाई लावून तिथं घर घेतलेले आहेत। आता परिस्थिती अशी झालेली आहे तिथल्या कंडिशनमुळं की त्यांना ते घर विकावं लागत आहे। परंतु ते घर विकण्या ज्या रेटमध्ये प्लॉट किंवा घरं घेतलेले आहेत तो भावसुद्धा तिथं मिळत नाही याच्या परिस्थितीमुळं। त्यामुळं आमची प्रशासनाला विनंती आहे की तो कचरा डेपो तिथून हटवून आम्हाला तिथं मोकळा श्वास घेण्याची संधी त्यांनी द्यावी, प्रशासनाला विनंती आहे आमची। सर, आप उस एरिया में रहते हैं, क्या आपको लगता है आपने वो एरिया को ज़्यादा हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, तो वहाँ और अगर मान लीजिए अगर थोड़ी देर के रास्ते अगर कोई निर्णय आता है कि हटा देना चाहिए, तो कोई पर्याप्त जगह है उसके दूर नज़दीक में? साहब, तो प्रश्न प्रशासनाचा आहे, कारण की कचरा डेपोचं प्रशासनाचं नियोजन पाहिजे की कमीत कमी लोकवस्तीपासून किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ते पाहिजे। परंतु आजची कंडिशन अशी आहे की आज पूर्ण कचरा डेपो पूर्ण लोकवस्तीच्या सेंटरमध्ये येऊन पडलेला आहे। पलीकडनं कासंबरी दर्गा आहे, इकडनं राजा राजधानी नगर आहे, इकडनं ग्लोरिया सिटी आहे, इकडनं भावसिंगपूर आहे। आणि कचरा डेपोला जरी पडेगावचं नाव असं ना, तरी कचरा डेपोची ती फक्त गायरान जमीन होती। ती कचरा डेपोची ॲक्च्युअल तो भावसिंगपुरा आणि ह्या वस्तीला लागून परिसर येतो। कचरा डेपोला नाव जरी पडेगावचं असलं, ती गायरान जमीन असल्यामुळं कचरा डेपो तिथून 2.5-3 किलोमीटर पडेगाव दूर आहे। सगळ्यात जास्त त्रास भावसिंगपुरा, ग्लोरिया सिटी, राजधानी नगर, कासंबरी दर्गा या परिसरातील नागरिकांना होतो। कचरा डेपोला नावच फक्त पडेगावचं आहे, त्याचा ॲक्च्युअल त्रास हा भावसिंगपुरा आणि परिसरातील नागरिकांना आहे। त्याच्यामुळं पडेगावच्या कोणत्याही नागरिकाचा याच्यामध्ये आंदोलनामध्ये सहभाग नाही आहे, पूर्ण स्थानिक तिथल्या रहिवाशांचा सहभाग आहे। नंदकिशोर लोखंडे। 75वे आज 15 अगस्त 75वा है। पूरे देशवासियों को आज मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये बताता हूँ कि ये पूरा देश आज खुशी में झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हर चीज़ कर रहा है अभी। लेकिन आज औरंगाबाद के जो कलेक्टर हैं हमारे सुनील चौहान साहब, अभी तो अस्तिक कुमार पांडे चले गए, शायद उनकी जगह कोई दूसरे आए हैं, तो आज ये लोगों को इतना तो समझना चाहिए, ये आज अपने कलेक्टर ऑफिस के अंदर, महानगर पालिका के अंदर खूब धूम मचा रहे हैं। अरे ये देखो कि आपके सामने जो आपके कलेक्टर ऑफिस सामने जो लोग आंदोलनकर्ता लोग बैठे हैं, अरे इनको आंदोलनकर्ता क्यों करने लगा रहे हो आप लोग? यानी हम लोग सिर्फ गम में बैठा, एक ऐसा हमने कोई सांस नहीं लेना सुकून की, ये हमारा अधिकार नहीं है। ये सोचो आप लोग, 31 निवेदन दिए हैं लोगों ने, 31 निवेदन, एक भी निवेदन के ऊपर उनका एक भी किसी ने कुछ ऑप्शन नहीं उठाया। ये मेरे हाथ में है, ये टोटल आप देख सकते हो, ये देखिए पूरे 31 निवेदन है इनके, टोटल पूरे डेट के साथ है और पूरा लिखा हुआ भी है जो ये लोगों ने दिए है। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है, जो बोलना जो बता रहे हैं हमारे लोखंडे साहब कि ये सिर्फ पड़ेगा बोलना सिर्फ नाम के लिए, और ये सच है कि जो लोगों को तकलीफ हो रही है ये वहाँ के रहवासी है। अंसार कॉलोनी हो गई, राजधानी नगर हो गई, कासिम दरगाह हो गई, गुलियर हो गया, ये जो चीज़ है ना, ये बस यही लोगों को ज़्यादा तकलीफ है भाई, किसी को नहीं है। आज वहाँ पे जो बता रहे हैं कि 500 मीटर दूर होना चाहिए, ये सच है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं खिलाई पिलाई के काम है, रिश्वतखोरी के काम किए लोगों ने और लाके डाल दिए वहाँ कचरा डिपो। और ये आप लोग आजमा लेना, जहाँ पे SC OBC ST जो नॉर्मल लोग रहते हैं, मुस्लिम, उनके पास ही कचरा ला के फेंकते हैं लोग। डालो ना खैरे साहब के एरिया में लेके डालो, डालो खादर साहब के इंटरियर के एरिया में लेके डालो, जरा देखो वो लोग रहते क्या। अरे 10 सेकंड रुक सकते हैं लोग, 10 सेकंड, इनको इतनी समझ होना। ये आज हमारे सामने रह ले जा रहे हैं, लेकिन ये देखो ये लोग, बता दो तो इनकी तरफ भी बेचारों झंडे वंडे बता दो इनकी तरफ, ये क्यों बैठे क्यों नहीं बैठे, ये लोग खुशी सब बता दो इन सब की तरफ क्या है। ये आज हम लोग बैठे हैं हमारी नाराज़गी में, हमको साथ लेने की तकलीफ है। हाँ, कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये सब खुशियाँ मना रहे हैं, हमारा मन नहीं करता खुशियाँ मनाना, हमारा दिल नहीं है। अरे मोदी जी, ज़रा देखिए, कुछ आँखें खोले ज़रा,
हम आपको ना ही नौकरी मांग रहे हैं, ना आपने जो सिलेंडर का भाव बढ़ा दिए, हम ना आपको ये बता रहे हैं इसके बारे में। अरे हमारे को सिर्फ रहने के लिए जो सुविधा है, जो एक अच्छी सी जगह जहाँ पे साफ़ सुथरी हवा चाहिए हमें, उतना तो दे दीजिए। उसके ऊपर भी आप अधिकार जमा रहे हैं, कचरा लाके दे रहे हो आप लोग। सर आने वाले 4 महीने के बाद महानगर पालिका को चुनाव हो सकता लग जाए, ऐसे सिचुएशन में तमाम पार्टी के जिम्मेदारों को आप कुछ बोलेंगे कि साहब आपको आपको तो हमारे पास आना ही पड़ेगा? ये बात तो बिल्कुल सही बात है। अभी ये जो है डिपेंड करता है सिर्फ पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या करना चाहती है और क्या नहीं, इसके ऊपर तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद एक बहुजन समाज पार्टी का एक इतना सा कार्यकर्ता हूँ, संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी का शहर का, और मैं खुद रहने के लिए पड़ेगा अंसार कॉलोनी में हूँ। मेरी भी इससे पहले एक बैठ दिया था मैंने, आप ही के चैनल पर दिया था मैंने, जैसे बताया था आपको संजय सिरसाट के बारे में। लेकिन अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये बस्ती के लोग तो बेचारे कर रहे हैं और वहाँ पे सब रोज मजदूर वाले लोग हैं। अंसार कॉलोनी में आप ज़्यादातर लोग देखेंगे पेंटर लोग हैं, वो काम पे जाएंगे तो खाएंगे बेचारे, वो इस तरह से आके बैठेंगे तो वो बोलेंगे क्या करना हम लोग, और बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है तो क्या करेंगे लोग भी। तो मैं ये इतना कहूँगा आप लोग को, ये 75वां जो दिवस है हमारा आज़ादी का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये हमारा जो देश आज़ाद हुआ था तो ऐसा लगता है कि वापस ये पड़ेगा वो अंसार कॉलोनी राजधानी नगर, इसको वापस इन्होंने कैदी बना दिया ऐसा लगता है मुझे वापस। लेकिन फर्क इतना था वहाँ पे वो गोरे थे, अभी ये हमारे गोरे हैं भारत के, इनके वजह से हम ये लोगों ने हमको अड़ा दिया शायद। आपको पूरा नाम बोलिए? मेरा नाम सोहेल खान, बहुजन समाज पार्टी शहर संगठन अध्यक्ष। इस तरह से आपने देखा आज 75वीं हिंदुस्तान की सालगिरह के मौके पर, आज़ादी के मौके पर ये लोग आज यहाँ पर ओपोजिशन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, अपनी बुलबुल सुविधा के लिए बैठे हैं। और जैसा बैनर पे देख रहे हैं 7-8 वार्ड के लोग हैं, ये 7-8 वार्ड के लोग बोले तो कम से कम 30-35 हज़ार से ज़्यादा की आबादी बनती है। अगर यहाँ पर आज की तारीख में चुनाव अगर कराया जाए तो कम से कम 7 से 8 नगर सेवक चुन के आ सकते हैं, ये इतनी बड़ी आबादी है। और बहुत हैरत की बात है कि यहाँ से 4 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं। अब सवाल ये तमाम पार्टी के जिम्मेदार, उनके नेतागंज, कि वो वार्ड में आप नहीं जाएंगे, क्या आप नहीं जाएंगे? हमने देखा है जब चुनाव का मौका आता है तो रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक लोग सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर पड़ते हैं, पैर छूते हैं, दुआ में याद रखना, आशीर्वाद में याद रखना, पता नहीं कैसे कैसी बातें करते हैं। उनकी वजह से आज कुर्सी बैठे हुए आप, कोई नगर सेवक बना, कोई आमदार बना, कोई खासदार बना, कोई MLC बना, कोई मुख्यमंत्री बना, सब इनकी ये जनता है सब, ये रीढ़ की हड्डी, इनकी ताकत से आप बने हैं। और आप ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं बोले कि चांद के 2 टुकड़े करो, ये ऐसा नहीं बोल रहे आपसे। आप कुर्सी पे हैं, आपका अगर एक फ़ोन अगर जाता है तो आपका काम हो जाएगा। क्या महाराष्ट्र ने नहीं देखा कि रात के 4 बजे सरकारें बनी? खैर ये विषय बहुत अलग जा रहा है, लेकिन आपको हम उदाहरण देना चाह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। 4 बजे जो है तो राजभवन का दरवाज़ा खुलता है, शपथ ली जाती है, ये महाराष्ट्र ने पूरे देश में अपनी आंखों से देखा है। राज भी क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, दो व्यक्ति आज पूरे महाराष्ट्र कंट्रोल कर रहे हैं। खैर अभी और हुआ है, जो विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन तड़जोड़ के लिए जब जरा ED का खौफ आता है, जैसा मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सरकारें गिर जा रही, मंत्री इधर से उधर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि आपकी कुर्सी बचे। लेकिन याद रखो सरकार कि ये वो लोग हैं जो आप कुर्सी पर बिठाते हैं, अगर आप इनका दिल तोड़ोगे सोचो फिर आप कहाँ जाएंगे, ना फिर आपको ED का डर रहेगा, ना आपको ना कहीं जाने का डर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग आज जश्न आज़ादी के मौके पर यहाँ बैठे हैं, आज पूरा देश खुशी में झूम रहा है और आप इनके मन में आंसू है, इनकी आंखों में आंसू है, दिल दुख रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? ये तमाम नेताओं पे औरंगाबाद की लीडरशिप पे सवाल उठता है। जैसा हमने इनसे कहा कि मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे इन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हम लोकसभा, विधानसभा और कॉर्पोरेशन के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बड़ी हैरत होती है कि इतनी बड़ी 8 वार्ड के बस्ती के लोग एक चेतावनी देते हैं और किसी पार्टी का कार्यकर्ता वार्ड अध्यक्ष वहाँ जाता नहीं है। अरे कम से कम बात तो कर सकते थे कि साहब आपका काम क्या है, आपकी समस्या क्या है, हम क्या योगदान दे सकते हैं, क्या आप चुनाव में नहीं जाएंगे? 4 महीने की बात है। याद रखिए, मैं आपको फिर एक बार कह दूं, ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, गए वो दिन जब अखबार में छपता था लोग भूल जाया करते थे, अगर आप भूल भी गए तो कोई एक व्यक्ति आता है वीडियो बताता है, देखिए साहब 5 साल पहले 3 साल पहले आपने क्या कहा था, हमारी क्या मांग थी और आप क्या कर रहे थे। जब ये लोग इसी चैनल का वीडियो अगर आपको बताएंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगे? उम्मीद करते हैं कि आप थोड़े में बहुत कुछ समझने का प्रयास कीजिए और क्या हो सकता है करने की आप कोशिश कीजिए।